जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। ICC ने इसके लिए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को वजह बताया है। T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने से अब भारत में IPL 2020 के आयोजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि BCCI पहले ही वर्ल्ड कप स्थगित होने की स्थिति में अपने यहां IPL 2020 के आयोजन की कोशिश में लगा है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर में IPL 2020 के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के चलते अक्टूबर नवंबर में अपने यहाँ वर्ल्ड कप क्रिकेट के आयोजन में अनिच्छा जाहिर की थी। ICC ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बोर्ड मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप 2020 के भविष्य का फैसला करते हुए इसे स्थगित कर दिया। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला था, पर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के चलते इस बड़े आयोजन की तैयारियां बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही थी। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही ICC से टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने की इच्छा जता चुका था। तमाम स्थिति का आकलन करने के बाद ICC ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। ICC ने कहा कि वे द्विपक्षीय सीरीज के लिए समय निकालने के इरादे से इस साल होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित कर रहे हैं। बहरहाल ICC ने T20 वर्ल्ड कप स्थगित तो कर दिया है, लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि अब ये टूर्नामेंट कब खेला जाएगा। उसने ये नहीं बताया कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 विश्व कप अगले साल होगा या फिर 2022 में। इस बीच बता दें कि अगले साल भारत में भी T20 विश्व कप शेड्यूल है। ICC ने यह भी स्पष्ट किया 2021 और 2022 में लगातार दो T20 वर्ल्ड कप होंगे, जबकि 2023 में भारत में वनडे विश्व कप होगा। ICC के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुष 2021 में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुष 2022 की भी अक्टूबर नवंबर में ही निर्धारित है। इसका फाइनल मुकाबला 13 नवंबर 2022 को खेला जाएगा। इसके अलावा ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी अक्टूबर नवंबर में निर्धारित है और इस टूर्नामेंट का फाइनल 26 नवंबर को खेला जाएगा। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2020 के आयोजन पर खुद मेजबान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आपत्ति ली थी। बोर्ड के मुताबिक 16 टीमों के साथ उनके स्पोर्ट स्टाफ और अन्य सदस्यों के अलावा ब्रॉडकास्टर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में इस समय दिक्कतों का सामना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति में फिलहाल इस तरह की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ICC की बोर्ड मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने का फैसला किया गया। IPL 2020 का रास्ता साफ। ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 स्थगित होने से सबसे ज़्यादा खुशी IPL फैंस में है। बता दें कि BCCI पहले ही कह चुका है कि यदि वर्ल्ड कप स्थगित होता है तो वो अक्टूबर नवंबर की इस अवधि में IPL 2020 का आयोजन कराने के लिए तैयार हैं। BCCI ने हाल ही में तय किया कि IPL के 13वें सीजन का आयोजन 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, पर अब उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई द्विपक्षीय सीरीज और टूर्नामेंट रद्द करने पड़े हैं। T20 फॉर्मेट में होने वाला एशिया कप भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप साल का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है जो स्थगित किया गया है। बता दें कि इससे पहले जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों को भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। HS न्यूज के लिए अभिनव शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।